नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई टाइम ट्रैकलाइट सॉफ्टवेयर के बारे में कि ई टाइम ट्रैकलाइट सॉफ्टवेयर कई बार जब आप डेटा डाउनलोड करते हैं तो डाटा डाउनलोड करते समय जो है आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, यानी दैट मीन्स कि उसमें से कुछ फाइल्स वगैरह कुछ मिसिंग होती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम डाटा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइस मैनेजमेंट में जाके हमने डिवाइस को टिक किया और यहाँ पर हमने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बावजूद आप देखेंगे कि मशीन तो कनेक्टेड शो कर रहा है, मशीन मैसेज आ गया है कनेक्टेड। अब हमारा जैसे ही डाटा डाउनलोड अब होना शुरू होगा मशीन कनेक्ट होने के बाद, हैंडशेकिंग होने के बाद, और तो देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। तो अभी हमारा जो मशीन है वो कनेक्टिंग स्टेज में है, मशीन कनेक्ट हो चुकी है लेकिन अभी तक डाटा ट्रांसफर होके नहीं आया है। तो देखिए डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो रहा है और देखिए ई टाइम ट्रैकलाइट स्टॉप्स वर्किंग, ये मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है। तो ये मैसेज जब आता है तो आपको क्या करना है, तो आप इसको सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद जो है आप अपने सी ड्राइव को ओपन करेंगे। सी ड्राइव को ओपन करके यहाँ पर चेक करेंगे प्रोग्राम 86 में कि यहाँ पर जो ESSL हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हमने सारी परमिशंस दी हैं या नहीं दी हैं प्रॉपर्टीज में जाके। तो यहाँ पर रीड ओनली का टिक हटा देंगे, ध्यान रखना है आपको हटाना है और अप्लाई कर देना है। और साथ में आपको यहाँ पर देखना है सिक्योरिटी में जाके कि यहाँ पर आपने राइट्स प्रॉपरली ओपन किए हैं या नहीं किए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी फुल राइट्स उनको दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर नहीं दिए हैं तो आपको यहाँ पे फुल राइट्स देना पड़ेगा। इसके बाद हम जो है आपको फिर हमें क्या करना है कि जो इसका सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक हम आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे जो कि डिबग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप जो है आप उसको ओपन करेंगे और उसको आपको एक बार रन करना है, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जिसका कि लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, जहां से जाके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करके आप जो है इस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास लोडेड है यहाँ पर, तो हम उसको ओपन कर रहे हैं जहाँ पर हमने सेव किया हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है न्यू SDK तो 64, तो इसको आप रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट रन नहीं करना है, और यस करेंगे तो यहाँ पर DLL फाइल्स रजिस्टर हो जाएंगी। इसके बाद हम बैक जाएंगे और फिर यहाँ पर डिबग न्यू जो हमारा जो फोल्डर है इसको हम ओपन करेंगे और इसको भी हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारे जिप फॉर्म में है और इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। और फिर उसके बाद हम रन करने के बाद चेक करेंगे, अब ये डिबग न्यू हमारा आ चुका है, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे फिक्स एरर पे राइट क्लिक करके रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये देखिए रिपेयर 64-bit DLL इशू, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे और फिर हमारा देखिए सक्सीडेड आ जाएगा, जेट के टाइम कीपर सक्सीडेड, ये हमारी फाइल्स जो है रिकवर हो गई हैं। और फिर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज करने के बाद फिर हम दोबारा सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और रन करने के बाद चेक करेंगे फिर डाटा डाउनलोड करके कि हमारा डाटा प्रॉपरली डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हमने फिर दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन किया है और यहाँ पर हमने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अपने डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड से हमने इसको लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद ये जो रीजन है ये बेसिकली कुछ फाइल्स वगैरह मिसिंग हो जाती हैं, कई बार हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं उसकी वजह से। तो अभी हमने देखिए, अब हमने स्टार्ट डाउनलोड किया, अब हमारी मशीन वही सेम एज यहाँ तक हमारा पहले भी जा रहा था, मशीन कनेक्टेड शो कर रही है। अब हमारे पास जो डेटा जैसे ही हमारा डाउनलोड होना शुरू हो रहा था तो तुरंत ही हमारा ई टाइम ट्रैकलाइट सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग बंद कर देता था। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जिसमें कि हमने डिबग इंस्टॉल किया है और साथ में न्यू SDK 64-bit की वो भी इंस्टॉल किया है, तो अभी हमारा जो है सॉफ्टवेयर हैंडशेकिंग स्टेज में है, मीन्स जो कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है और इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब देखिए, अब हमारा जो डेटा है हमारे पास, देखिए जो एंट्रीज दिखा रहा है उसमें डाउनलोड होना शुरू हो गया है, जबकि हम पिछली बार जब हमने देखा था तो जब हमारी एंट्री केवल सिंगल एंट्री आ रही थी तो सिंगल एंट्री के टाइम पर ही हमारा सॉफ्टवेयर ने डाउनलोड करना बंद कर दिया था। तो दैट मीन्स कि उसकी जो फाइल्स थी, जो उसकी जो हमारी जो बेसिक रॉ फाइल्स थी, वो फाइल्स हमारी कुछ मिसिंग थी, तो जिसकी वजह से ये समस्या आपके सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है हमारी समस्या ये दूर हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो स्टॉप्स वर्किंग की जो समस्या है, जो ई टाइम ट्रैकलाइट की जो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डाटा डाउनलोड करते हैं उस समय जो आती है, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर। थैंक यू।